सलमान खान और उर्मिला मातोंडकर की जोड़ी ने 1999 में रिलीज हुई फिल्म जानम समझा करो में काम किया था, जिसमें सलमान ने राहुल और उर्मिला ने चांदनी का किरदार निभाया। फिल्म की कहानी एक युवा अमीर लड़के और एक गरीब लड़की के बीच प्रेम कहानी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें संघर्ष और भावनाओं का गहरा ताना बाना बुना गया। जानम समझा करो में चांदनी एक नर्तकी है। जानम समझा करो में चांदनी एक डांसर है जो अपने परिवार को पालती है। दूसरी ओर राहुल एक अमीर लड़का है जो अपनी जिंदगी में प्यार की तलाश में है। फिल्म में कई उतार चढ़ाव, जैसे कि चांदनी का किडनैप हो जाना, राहुल का उसे बचाना, लेकिन दोनों के बीच प्यार दिखाता है जो दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आया था। हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि उर्मिला मातोंडकर बिग बॉस के आने वाले सीजन में शामिल हो सकती है। ये खबर उनके फैंस के लिए एक रोमांचक मौका हो सकता है। बिग बॉस एक ऐसा मंच है जहां अलग अलग जगह से आए लोग अपने जीवन के अनुभव बताते हैं, शेयर करते हैं और दर्शकों से जुड़ते हैं। उर्मिला की बिग बॉस में एंट्री उनके करियर को एक नई दिशा दे सकती है। उर्मिला मातोंडकर ने अपने करियर में कई सफल फिल्में की हैं और उनकी एक्टिंग को हमेशा सराहा गया है। बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में उनके आने से न केवल उनके चाहने वालों को फिर से उन्हें एक बार देखने का मौका मिलेगा, बल्कि ये भी देखना होगा कि वे इस मंच पर कैसे अपनी एक नई पहचान बनाती हैं। सलमान खान और उर्मिला मातोंडकर की जोड़ी को दर्शकों ने हमेशा पसंद किया है। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने कई दर्शकों को अपनी तरफ खींचा है। जानम समझा करो में उनके किरदार ने साबित किया है कि वे दूसरे के साथ कितने अच्छे लगते हैं। इस फिल्म के बाद भी दोनों ने अपने अपने करियर में अलग अलग तरह से सक्सेस पाई है। उर्मिला मातोंडकर ने कई हिट फिल्मों में काम किया, जैसे रंगीला, भूत और कौन, जबकि सलमान खान बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक माने जाते हैं। उनकी फिल्मों ने हमेशा धमाल मचाया है। अगर उर्मिला सच में बिग बॉस में आती हैं तो ये ना केवल उनके बल्कि उनके जो प्रशंसक हैं उनके लिए भी एक बड़ा मौका होगा। इससे ना केवल उनकी पुरानी यादें ताज़ा होंगी बल्कि नए दर्शकों को भी उनके टैलेंट के बारे में पता चल सकेगा। सलमान खान और उर्मिला मातोंडकर की जोड़ी ने हमेशा दर्शकों का दिल जीता है और अब बिग बॉस जैसे मंच पर उनकी वापसी चर्चा का विषय बन गई है।